शुक्रवार को चंडीगढ़ में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने आज घोषणा की है। आज राजस्थान भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राणा ने बताया कि हरियाणा में पार्टी की गतिविधियों में और अधिक जान डालने की दिशा में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में सेक्टर 33 में पार्टी ने अपना एक ऑफिस भी खोल दिया है। उन्होंने इस अवसर पर हरियाणा स्टेट यूनियन की कार्यकारिणी भी घोषित कर दी, जो कि पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का आज प्रदेश कार्यालय हरियाणा का सेक्टर 33 में खोला गया है। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राहुल चौहान जी पार्टी का कार्यालय यहाँ पे चंडीगढ़ में देखेंगे और राष्ट्रवादी जनलोक विद्यार्थी परिषद की भी आज से शुरुआत की गई है और जिसका अध्यक्ष जो है हमारे अंबाला में कॉलेज है उसके पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं श्री मोनू ठाकुर जी। ये हमारे राष्ट्रवादी जनलोक विद्यार्थी परिषद के हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे आज से। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इस लोकसभा चुनाव में उसकी क्या भूमिका रहेगी इस बात का फैसला 2 से 3 दिन में हो जाएगा। एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ हमारे गठबंधन की बात चल रही है, अगर उससे गठबंधन होता है तो 2 लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अगर नहीं होता है तो जो पार्टी की कार्यकारिणी है वो डिसाइड करेगी कि आगे क्या रणनीति पार्टी के लिए बनानी है। देखिए जो पार्टी के मुद्दे हैं वो मुख्य रूप से है रोज़गार। हमारा जो युवा है, हमारे जो साथी हैं वो बेरोज़गार हैं, ना नौकरी है ना बिजनेस है। तो हर हमारे समाज के हर साथी को नौकरी मिले या कोई बिजनेस मिले उसी के लिए इस पार्टी का गठन किया गया है, क्योंकि हमारे समाज की आवाज़ रखने के लिए कोई भी पार्टी जो है रेडी नहीं होती है और कोई भी विधानसभा लोकसभा में हमारी पार्टी की बात हमारे समाज की बात को नहीं रखता है। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।